तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को बुधवार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। धर्मशाला में उनके निवास पर 64 साल बाद रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से 1959 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। रमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करता है उसे इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना के पीछे फिलीपींस सरकार के साथ साथ रॉकफेलर सोसाइटी का भी योगदान है। यह सोसाइटी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो हैं, जिनका जन्म 1935 में तिब्बत में हुआ था। उन्हें 2 साल की उम्र में दलाई लामा के रूप में मान्यता दी गई थी और 1950 में सिंहासनारूढ़ किया गया था। 1959 में वे चीनी शासन के खिलाफ एक असफल विद्रोह के बाद तिब्बत से भाग गए थे और तब से भारत में निर्वासन में रह रहे हैं।